सर एक्चुअली माय टॉपिक इज द वर्ड इज़ डेस्टिनी. मतलब एक होता है बचपन से कि तुम्हारी डेस्टिनी में ये है, ये लिखा हुआ है, ये पत्रियाँ बन जाती हैं, कुंडलियाँ बन जाती हैं, मंगली हो जाते हो, ये हो जाता है. क्या मंगली? मंगली होते हैं कुछ, मांगलिक 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 हाँ, राइट. तो मतलब एक होता है ना कि हाँ, बचपन से ये है, ये है, इस एज के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. फिर आप भी कहते हैं और बहुत लोग भी कहते हैं कि डेस्टिनी क्रिएट भी करते हैं हम. इस टॉपिक पे एक थोड़ा डीप एनालिसिस हो जाए कि मतलब डेस्टिनी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. कैन आई ऐड समथिंग? यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस टॉपिक? डेस्टिनी में ही कुछ? हाँ, कर दो. गुड मॉर्निंग मिस्टर महेश्वरी, दिस इज सपना. इतनी इज्जत मुझे पहली बार मिल रही है, मैं हजम नहीं कर पाऊंगा. गुड मॉर्निंग मिस्टर महेश्वरी. ठीक है, अच्छा लगा. हाँ, थैंक यू. बेसिकली हमारी जनरेशन जो है राइट नाउ, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना डेस्टिनी में, सुपरस्टिशंस में, और हम पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, लॉयर्स भी हैं, गेजेटेड ऑफिसर्स भी हैं, तो ये डेस्टिनी के साथ हम इतना पढ़ लिख के आज भी क्यों जुड़े हुए हैं कि हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है कि व्हाट विल हैपन इन माय लाइफ. हाँ, कि इतना मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई आदमी, मान लो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंधविश्वास में कुछ करे, मतलब कोई अंधविश्वास वाली हरकतें करे, तो समझ आता है. वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये है वो, पता नहीं क्या क्या है, MBA किया हुआ है, इंजीनियर्स हैं, और वो भी अंधविश्वास के चक्रों में पड़े हुए हैं. वो ज्यादा पढ़े हुए हैं मुझे लगता है. तो इसका मतलब नॉलेज से इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है. एजुकेशन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर सुपरस्टिशन. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? Where we need to work upon, like exactly कहाँ पे क्या माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि मतलब अगर हमें ये गलतफहमी है कि अगर हम कोई बंदा है वो अनपढ़ है, अगर उसको पढ़ा लिखा देंगे किसी अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से, तो उसके सारे सुपरस्टिशंस खत्म हो जाएंगे. अगर ये गलतफहमी है तो ये गलतफहमी बेकार है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सुपरस्टार्स हैं, उनके हाथ में आप देखोगे तो अंगूठियां भरी पड़ी हैं. क्या हो रहा है ये? मतलब वो बंदा जिसको वो सब कुछ मिल चुका है, जहां तक आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना पैसा है उनके पास, तब भी ये क्यों भरे पड़े हैं? ये मतलब क्या हो रहा है? एंड इन दैट केस बाकी अनसक्सेसफुल लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, दे फील कि शायद दिस इज द राइट वे. टॉपिक नो डाउट इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज ये हमारी सबकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. चाहे कोई आप 20 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, चाहे 60 साल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो नंबर वन, सबसे पहले शुरू इसको यहां से करते हैं, व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी हम किसे कहते हैं? कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि वो लिखा हुआ है. ऐसे ऐसे बातें सुनी है ना हमने, कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो ही होने वाला है. कि पुराने जन्मों में आपने कुछ कर्म किए होंगे जिसको भुगतना ही पड़ेगा. तो जैसे आपने डेस्टिनी की बात बोली है ना, हाँ, माइक देना इनको. जैसे कोई 9 ईयर्स का बेबी हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है, या कोई बचपन से किसी को कोई हार्ट, मतलब कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, तो उस पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तेरा पिछले कर्म का ही कुछ चल रहा है ये, तो तू अब बड़ी होगी, अच्छे कर्म करेगी ना इस जन्म में, तो आगे जाके कुछ बेटर हो जाएगा. तो अब इनका एक और पॉइंट आया है यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो किस वजह से है उसको हेल्थ प्रॉब्लम? क्या वो कुछ पिछले जन्म के कर्म है? क्योंकि इस जन्म में तो उसने ऐसा क्या किया, बच्चे ने कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया, इनोसेंट है. बच्चे सारे इनोसेंट ही होते हैं. तो एक के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, एक के साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट उस लेवल पे. अगर हम हेल्थ को ही कंपेयर करें, तो एक बच्चा है जिसकी हेल्थ अच्छी है, एक बच्चा है जिसकी हेल्थ बहुत ही बुरी है, क्या रीजन है? तो यहां पर क्या काम आएगा? यहां पे हमको एक बात समझ आ रही है, ये एजुकेशन काम नहीं आने वाली है. जितना मर्जी आप किताबों को पढ़ लो, रट लो, सो कॉल्ड आपके पास में डिग्रीज आ जाएं, ये हो जाओ, वो हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे बहुत लोग हैं, पता नहीं उनके पास में PhD है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन वो भी इन चक्करों में पड़े हुए हैं. अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं. कैसे बदलना चाहते हैं? कोई हवन करवा के, कोई ये करके, कोई वो करके, कहीं पर जाकर के मत्था टेक करके, कुछ भी. इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सक्सेस नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने अंधविश्वास के थ्रू सक्सेस को अचीव कर भी लिया, मान लो कुछ ऐसा करके, तो क्या वो सक्सेसफुल होने के बाद में भी उस अंधविश्वास को छोड़ देगा या पकड़े रहेगा? ये और स्ट्रांग हो जाएगा कि ये करके, ये अंगूठियां पहन करके, या ये करके मुझे ये मिला,
अब ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, तो इसका एजुकेशन इज नॉट द आंसर, देन व्हाट इज द आंसर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइफ इज द आंसर. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज द आंसर. सिर्फ उससे हम डर से फ्री हो सकते हैं, नहीं तो अगर हम डरे होंगे तो कोई भी हमसे कुछ भी करा सकता है. जो अंदर से डरा हुआ है उसको कंट्रोल करना कितना आसान है, उसके माइंड में हल्का सा वहम डाल दो, कुछ भी कर दो, उसकी तो वॉट लग जानी है. और 90% ज्यादा लोग ऐसे ही हैं. मतलब फॉर एग्जांपल आपका घर है, अगर उसकी बैल्कनी में कुछ थोड़ा सा कहीं से इधर उधर ब्लड बैंक से मैं थोड़ा बहुत खून जुगाड़ करूँ, रियल खून असली, और वो किसी थैली में डाल डूल के लपेट के और उसमें नींबू मिर्च लगा के ये करके, और रोज आपकी बैल्कनी में आ जाए वो सुबह सुबह जब आप उठो, तो 3-4 दिन बाद क्या होगा? हवा टाइट हो जाएगी. तो जो भी बंदा वो सोच करके फेंक रहा होगा उससे लाख गुना बुरा आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लग जाएगा. क्यों हो रहा है? क्या वो उसकी वजह से हो रहा है? उस चीज़ की वजह से हो रहा है? उसमें क्या है? खून ही तो है, नींबू मिर्ची तो है, तो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो चाह रहा है उसकी वजह से हो रहा है ना? आपके डर की वजह से हो रहा है. जैसे डर डर करके हम कोई काम करते हैं तो गलत नहीं भी होना होता है तो होता ही है, फिर चाहे कुछ भी हो. वो जो आपने बोला था मंगली, बोला था मांगलिक को, है ना, हाँ, चाहे वो आपको बोला जाए कि आप मांगलिक हो और अब इस पेड़ से शादी करनी है, ये कॉमन है, बेवकूफ़ी है लेकिन कॉमन है. पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? डरे हुए हैं. देखना, अब ध्यान से समझना, लाइफ में दो चीजें हैं. एक है जो रियलिटी है लाइफ की, बताना मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं. वन एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट वी आर नॉट इन कंट्रोल. मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, वी आर नॉट इन कंट्रोल. अभी यहां पर क्या होने वाला है, आर वी इन कंट्रोल? आर वी एक्चुअली इन कंट्रोल? अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए यहां पे तो एक सेशन हो रहा था यहाँ पे लोग आया करेंगे कुछ साल बाद देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे एक सेशन हुआ करता था. ये देखो ये समाधि दिख रही है, 250 लोगों की नहीं नहीं 251 लोगों की. तो लाइफ का एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको वी कांट कंट्रोल. और वो क्यों होता है हमें समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है. उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है, चाहे आप साइंटिफिकली उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो वो एक अलग टॉपिक है, बट उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है. इस दुनिया में बिना कॉज के कुछ नहीं होता है. एंड टू सी दैट कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी वेरी सिंपल. इसीलिए लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कुछ भी माना हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, किसी और ने कुछ कह दिया वो भी मान लिया, वहां पे क्लैशेस हो जाते हैं. रियलिटी में कभी कोई क्लैश नहीं होता है. 2+2=4, यहां पे कोई क्लैश है ना? बट एक इंसान के साथ में ये हुआ. अब क्यों हुआ वो आपको जैसे लगता है, आप उस बेस पे बोलने लग जाओ तो हर कोई अलग अलग बातें नहीं बोलेगा, तो वहां पे क्लैश नहीं है. क्लैश मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि भाई वो बच्चा वहां पर क्यों पैदा हुआ, एक गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, एक ऐसे एटमोसफेयर में क्यों पैदा हुआ जहां पर उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये जाकर के आप किसी साधु महात्मा से या किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो खुद बिलीफ में फंसा हुआ है, तो वो क्या कहेगा? जरूर इसने कोई ना कोई बुरे कर्म करे होंगे पिछले जन्मों में, कुछ ना कुछ किया होगा. अब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में है? उस बाबा के हाथ में, जो आपको पता भी नहीं कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है. आज की डेट में 90% से ज्यादा लोग फ्रॉड है. मतलब वो अपने फायदे के लिए किसी का भी काट सकते हैं. और मजे की बात क्या है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है जिसके पैरों में आप पड़े हुए हो वही आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा रहा है. तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से पूरी तरह से गया जैसे ही आपने ऐसा कुछ भी माना. अब रियलिटी क्या है उसको देखें. अब बताना अगर इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत जो भी मैं बोलने वाला हूं अगर उस पर वो क्वेश्चन मार्क लगा सके तो बताना मुझे, वो बच्चा गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उसके माँ बाप गरीब हैं. बताओ, करो क्वेश्चन. उस बच्चे को ये वाली बीमारी क्यों है? क्यों है? क्योंकि उस बीमारी का ये नाम है और वो इस बैक्टीरिया या इस वायरस की वजह से होती है. अच्छा, इस बीमारी का क्या इलाज है? ये इलाज है. माइंड क्लियर हुआ या और अंधविश्वास में फंसा है? इसको बोलते हैं लाइफ को एज इट इज देखना.
अगर कोई डिजीज होती है तो हम उसको वास्तु से कनेक्ट कर देते हैं। अरे पता नहीं किस किस से कनेक्ट कर देते हैं, आप वास्तु कह रहे हो, पता नहीं किस किस से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनके घर में कोई बीमारी हो रही है और घर में कोई शादी करके नई लड़की आई है, उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया। मतलब दी हाइट ऑफ फूलिशनेस। या घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और घर में 2-4-5 गड़बड़ हुई, फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ हुई, किसी की 1-2 की हेल्थ खराब हो गई, बुड्ढे बुड्ढे टपक गए, वो मर गए, उठा करके उस बच्चे पे ब्लेम डाल रहे हैं जिसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। है ना, बेवकूफ लोग। और ये लोग, आप हंस तो रहे हो, आप ही में से कोई है, आप ही के घर में ये सब कुछ हो रहा है, आप ही के माँ बाप है, आप ही के सो कॉल्ड दादा दादी है, दादा दादी, जो सुन करके लगता है कि दादाजी दादी जी बड़े समझदार होने चाहिए, बेवकूफ है। नहीं, सुन के नहीं लगता ये सबके दादा है। दादा मतलब क्या, कुछ मेच्योरिटी हो, इमेच्योर है, क्योंकि मेच्योरिटी एजुकेशन से नहीं आती है, मेच्योरिटी कुछ मानने से नहीं आती है, मेच्योरिटी लाइफ को एज इट इज देखने से आती है, तब आप लाइफ को बारीकी से समझ सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इसीलिए लोग नहीं देख सकते, सिंपल चीजें हमको समझ नहीं आती है, उसमें मजा भी नहीं आता है ना, कोई कहानी नहीं है ना, कहानियां हो तो मजा आता है, रियलिटी में कोई कहानी नहीं है, जो जैसा है सो है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिखने में बुरे क्यों हो, मैं अच्छा क्यों हूं, अब इसके पीछे क्या वजह है, जो है सो है, कि मैंने मान लिया है, कुछ भी मानते रहो। तो सर, लॉ ऑफ कर्मा तो नहीं। अब देखो, यही गड़बड़ होती है, हम क्या करते हैं, बड़ी तेजी से छलांगे मारते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमेशा लाइफ में आइदर और में जीते हैं। मैंने एक तरफ से क्या कहा, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू इन लाइफ, वी आर नॉट इन कंट्रोल, तो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट इन कंट्रोल, और एकदम से अपने लॉ ऑफ कर्मा को रूल्ड आउट कर दिया। व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, बिना कॉज एंड इफेक्ट के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। सर, अगर लोग सुपर टीम इसमें बिलीव करते हैं, तो फिर इसके लिए आंसर है कि अगर मतलब भगवान है, तो क्या भगवान के फैसले को नीचे वाला कोई बदल सकता है, ये लोकतांत्रिक वगैरह, ये लोगों में इतनी ताकत है कि ऊपर वाले उसको बदल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ को काउंटर कर रहे हैं, ये भी हम सबकी प्रॉब्लम है। हम कभी भी रियलिटी से बिलीफ को काउंटर नहीं करते हैं, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ को। मतलब क्या, हमने क्या किया कि अगर कोई भगवान है और उसने कोई फैसला कर लिया है, तो भगवान है मतलब क्या, कुछ भी किया भगवान पे डाल दिया, सिर्फ हिंदुओं में होता है, कुछ भी किया भगवान पे डाल दिया। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता है, हर रिलीजन में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, नाम अलग अलग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी मान रखा है, और वहीं पर आप जी रहे हो। इस तरह से जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, कि डर में जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप से सवाल पूछना है, या बिलीव्स में जीने में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जो एक फालतू की बात मान सकता है, वो कुछ भी मान सकता है, कि देखो भगवान है बिकॉज इस किताब में लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस हिसाब से चले तो यहां जाओगे, नहीं तो वहां जाओगे, कुछ भी कहानियां। अगर आपको यह मनाया जा सकता है, तो आपको कुछ भी मनाया जा सकता है। पहले मानते थे भगवान नहीं है, फिर कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत हो गया, कुछ इधर उधर गए, कुछ किया, अब कहते हो नहीं भगवान है। ऐसे भी लोग होंगे जो पहले भगवान को मानते थे, आज नहीं मानते हैं, मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया, उसका मतलब भगवान नहीं है। ये बच्चों वाली हरकतें हैं, बड़े हो जाओ थोड़े से। बचपन में मैंने बड़ी करी है ये हरकतें, होता नहीं था जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो अपने अंदर ही अंदर मतलब फटाफट से आंख बंद करी ऐसे प्रे किया, अगर भगवान है तो मैं गेम पक्का जीतूंगा। और प्रॉब्लम क्या है, लोग बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी यही हरकतें कर रहे हैं, भगवान है तो मेरा बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी, कैसा भगवान है, क्योंकि हर एक के भगवान अलग अलग है। भगवान आपने वैसे चूज करे हैं अपने लिए जो आपके लिए कन्वीनियंट है। भगवान मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा है, अरे भगवान कितना बुरा है, कुछ भी करते रहते हो भगवान के साथ, खेलते रहते हो, और करते क्या हुआ,
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अपने माइंड में, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैं आज तक तेरे पास नहीं आया, तेरे को कहा किसी ने आने के लिए? तेरे को इन्विटेशन कार्ड भेजा था किसी ने? और तू नहीं भी आता तो मेरा क्या बिगड़ जाता? भगवान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो, मैं आज से पहले कभी मंदिर नहीं आया, बट आज आया हूं तो मता। आपका बिलीफ क्या है कि आई एम अ सेपरेट एंटिटी लिविंग इन दिस यूनिवर्स, जिसने कुछ कर्म किए हैं या जिसके साथ में कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसके साथ में कुछ हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सेपरेट एंटिटी वाला जो आपका बिलीफ है ये बकवास हो, एक्चुअल में कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं रोड पर जाकर के अच्छी ड्राइविंग करूंगी या करूंगा तो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, क्या ये सच है या बकवास है? क्यों है बकवास? क्योंकि अगर आप तो अच्छी ड्राइविंग करो और मैं ना करूं तो कहां है आपकी अच्छी ड्राइविंग? इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी। इस बिलीफ से बाहर आओ, ये बिलीफ है, रियलिटी नहीं है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक कुछ गलत करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब कर रहे होते हैं उसका असर एक पे हो रहा होता है। ये सच है या मेरा कोई बिलीफ है? दुनिया की कोई ताकत इसको क्वेश्चन कर सकती है? नहीं। तो इस तरह से देखते क्यों नहीं है? इस तरह से हम समझते क्यों नहीं है? हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। हाँ, हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और वो फॉर्मूले भी आपने खुद नहीं बनाए हैं, किसी ना किसी और घोंचू ने आपके माइंड में प्लांट कर दिए हैं। वो घोंचू जिनको आप सो कॉल्ड बड़े समझते हो, जो एज में आपसे बड़े हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो बेवकूफी में आपसे बड़े हैं, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं मानते और वो आपके अंदर कुछ फीड कर रहे हैं, और वो पिछले 20-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से कुछ बकवास मानते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में भी किसी ना किसी ने प्लांट कर दिया है। और सच देखने की हमारी हिम्मत नहीं है, डरते हैं सच देखने में, जबकि एक्चुअल में यू कैन ओनली बी इन कंट्रोल वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल, ओनली देन यू कैन बी इन कंट्रोल। एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ, देखो इंडिया की सड़कों में क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, हाउ टू बी इन कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं एक सेपरेट एक एंटिटी हूं, मैं अपना काम ढंग से करूंगा या करूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यही हुआ ना इसका मतलब? यानी आपने वो सब कुछ किया जो भी इस दुनिया ने आपको कहा करने के लिए, ड्राइविंग अच्छे से सीख ली है ना, अपनी गाड़ी आप ठीक से चला रहे हो, और गाड़ी में वो नींबू मिर्च भी लगा लिया, पाठ भी करा दिया, उसकी पूजा भी करा दी, और मैं यहां तक कह रहा हूं कि आप ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करते हो तो आप बचोगे या मरोगे कुछ दिन के अंदर इंडिया की सड़कों? अच्छा, अरे गारंटेड मरोगे। यानी अगर आपकी ग्रीन लाइट हुई और आप कहते हो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग, ग्रीन लाइट मतलब चलो, तो जब ग्रीन लाइट में आप चलोगे तो चारों तरफ से कुछ आ नहीं रहा होगा, आता है नहीं आता है, तो कहां गई रूल बुक? या आपको देख के चलना पड़ेगा कि हो सकता है ग्रीन लाइट हो गई है लेकिन अभी आप नहीं चल सकते हो क्योंकि वहां से एक बस आ रही है फुल स्पीड पे, उस बस ड्राइवर का मूड खराब है, घर पे लड़ करके आया है या पी करके चला रहा है, तो उसका भी कर्मा आपको अफेक्ट करने वाला है। अकेले ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, हम हैं, तो हमारे कर्मों का किस पे असर होता है? हम पर असर होता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किसके कर्म है? किसी एक के हैं, हमारे हैं, तो इसका असर किस पे होगा? हम पे होगा। सर पर किसी पे ज्यादा होगा, किसी पे कम होगा? हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बात बोली कि उसका असर किसी पे ज्यादा हो रहा है किसी पे कम हो रहा है। मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कहीं पर बाढ़ आ रही है कहीं पर नहीं आ रही है, क्यों? दिल्ली में नहीं आ रही है, मान लो बॉम्बे में आ रही है। अभी पीछे एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में कि अगले 50-60 साल में बॉम्बे पूरी तरह से डूब जाएगा, पता नहीं 50-60 था 100 था, व्हाटएवर इट इज, इट विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर। दिल्ली क्या तो नहीं आया कि दिल्ली डूब जाएगा, क्यों? दिल्ली वालों ने कुछ बहुत अच्छे कर्म करे हैं। दिल्ली समुद्र से दूर है, बस दिल्ली थोड़ा बाद में डूबेगा। अब आता है पॉइंट कि वी आर नॉट इन कंट्रोल। ठीक है, ये सच है, तो क्या करें? रोए बैठ कर पावरलेस हो जाए? वी आर नॉट इन कंट्रोल, हमारे साथ क्या होने वाला है, आपको क्या बीमारी लगने वाली है? यू आर नॉट इन कंट्रोल। आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो फिर भी हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए, यू आर नॉट इन कंट्रोल। आपने अपनी तरफ से बड़ा दिमाग लगाया मतलब शादी करने के लिए
लेकिन वो खच्चर निकल गया, निकल गई, तो यू आर नॉट इन कंट्रोल. मतलब रियलिटी का एक एस्पेक्ट है वहां पर वी आर नॉट इन कंट्रोल, दूसरा एस्पेक्ट है जहां पर वी आर 100% इन कंट्रोल. कुछ हो गया है तो वी आर नॉट इन कंट्रोल, लेकिन जो हो रहा है या जो हुआ उसको हम किस तरह से देख रहे हैं वो किसके हाथ में है. एग्जैक्टली. एक तरफ से इस दुनिया में जो आपके साथ होने वाला है, यू आर नॉट इन कंट्रोल. यस, यू आर पार्टली इन कंट्रोल. यानी अगर बिल्कुल ही पी करके गाड़ी चलाओगे तो पक्का है एक्सीडेंट होगा. 10 पैग लगाए हुए हैं और चला रहे हो तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन कंट्रोल. बट अगर अपनी तरफ से सही से चला रहे हो गाड़ी तो यू आर, आर यू 100% इन कंट्रोल? यू आर पार्टली इन कंट्रोल. क्यों? वाई पार्टली? क्योंकि आप अगर सब कुछ सही भी कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है. इंडिया छोड़ो, चलो बाहर भी कहीं गाड़ी चला रहे हो तो आर यू 100% इन कंट्रोल? यू कांट बी इन 100% कंट्रोल एवर इन लाइफ. कभी भी कुछ भी हो सकता है. कुछ भी क्या, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो, डेथ. एनी टाइम एनी प्लेस इट कैन हैपन. सच है गलत है? तो हमारे साथ क्या होने वाला है, वी आर पार्टली इन कंट्रोल. इसको समअप कर देते हैं पूरा जो भी अभी तक बोला है. वी आर पार्टली इन कंट्रोल, लेकिन जो भी हो रहा है उसको किस नजर से देखना है, वी आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल. इस कंट्रोल को अगर आप अपने हाथ में रखते हो तो, और एक्चुअल में अगर रखते हो तो आप कह सकते हो आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है. विश यू ऑल द बेस्ट.